आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव के खिलाफ एक लैंड फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है समन किया गया है उनको, ये केस जो है उसको क्या कहेंगे? देखिए, कोई क्या कहें आप, देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए जो अपोजिशन में हो और जिसके मेंबरान पे इस प्रकार की दबिश की कोशिश ना हो। सीख नहीं पा रहे हैं ये लोग। ये केस बंद था, क्लोजर थी सीबीआई की। फिर क्या हुआ कि नीतीश जी हमारे साथ आ गए तो ये फाइल खोल दी गई। अब मैं बता रहा हूं, हेमंत सोरेन जी की जब रिहाई हुई, जब ये बेल मिला तो क्या कहा हाई कोर्ट ने, अभी अरविंद जी के केस में क्या कहा। इंतजार करिए, वो वक्त इस मामले में भी आने वाला है, क्योंकि वेंडेटा पॉलिटिक्स का अवसान 240 ने निश्चित कर लिया। सर जो आप बात कह रहे हैं, केजरीवाल का आपने जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है, आतिशी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही कि ये तमाम ड्रामेबाजी अरविंद केजरीवाल ने क्यों की? इस्तीफा उन्हें पहले देना चाहिए था, उन्होंने बाद में दिया, अब ये ड्रामेबाजी। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी जो है अरविंद केजरीवाल को दोबारा से जेल भेजना चाह नहीं, रही है। मैं तो एक ही बात जानता हूं, ड्रामेबाजी में तो बीजेपी का कोई सानी नहीं है भाई। कॉपीराइट है, उनके टॉप लीडर से लेकर के नीचे तक अद्भुत थिएटर करते हैं। हाल का बताऊं, एक बड़ी प्यारी तस्वीर लगी मुझे, छू गया दिल को, दीप ज्योति के साथ प्रधानमंत्री जी की, लेकिन बरबस मणिपुर का ख्याल आ गया कि ये स्पर्श मणिपुर को भी चाहिए, देश के अलग अलग हिस्सों में, नहीं तो थिएट्रिक्स लगता है। थिएट्रिक्स के एक्सपर्ट हैं बीजेपी के लोग। अरविंद जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? अरविंद जी ने कहा ड्रामा कर रहे हैं। कमाल के लोग हो भाई, पहले तय कर लो आप चाहते क्या, वही नहीं कर पा रहे हो। सर एक चिट्ठी को लेकर के भी घमासान मचा हुआ है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि उनके दल के नेता लोकसभा में एलओपी, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। मामला तुगलक रोड थाने तक पहुंच चुका है, रवनीत पिट्टू के खिलाफ केस तक दर्ज कराया जा देखिए, चुका है। मुझे लगता, मैं दुख के साथ ये कह रहा हूं, आप लोगों के सवाल का भी पूरा संदर्भ, ये सिर्फ अशोभनीय नहीं है, ये क्राइम है भाई। आप किसी को भी छोड़िए, एलओपी, आप आतंकवादी कह तो क्या? कोई कह रहा है कि दादी वाला हश्र होगा, कोई कह रहा है जीव काट लेंगे, कहां देश को ले जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी? आप विदेश जाते हो ना, आप कहते हैं बुद्ध की धरती से आया हूं, यह है बुद्ध की धरती, ये बना के रख दिया, ये हालात हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी, आपसे हमारी दुश्मनी नहीं है, आपके दल से दुश्मनी नहीं है, हम वैचारिक रूप से दो प्रस्तावनाओं को लेके चल रहे हैं, वही हिंदुस्तान की खूबी है, वो रहनी चाहिए। और मैं देख रहा था कि एक सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री जी से, तो उन्होंने कहा पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल सवाल है, किसी को आतंकवादी कह देना, जीव काटने की धमकी देना, ये पॉलिटिकल सवाल है, ये हमारे सार्वजनिक जीवन की गिरावट का सवाल है, और हर पॉलिटिकल पार्टी को इसको एड्रेस करना होगा। कायदे से तो कांग्रेस को केस नहीं करना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी को फौरी तौर पे चार कदम आगे बढ़ के कहना चाहिए था स्टॉप दिस नॉनसेंस, कह नहीं पाए। लेकिन सर इस तरह की भाषा जो है, मैं ये कहूंगा कि तमाम दलों, मतलब अक्रॉस द पार्टी, इस तरह की भाषा का कोई ना कोई नेता इस्तेमाल करता है, हर छोटा बड़ा कहीं मैं ना कहीं आपकी से बात आता से है। शत प्रतिशत सहमत हूं, अब कोई विकल्प नहीं बचा। चुनाव में आप भैंस मंगलसूत्र मुजरा के जब करेंगे, फिर प्रतिकार उसी जुबान में हो जाता है, तो ये प्रतिकार और बयान, प्रतिकार बयान, प्रतिकार बयान, क्या कहूंगा अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ही कहूंगा। आप ही निर्देश दीजिए कि हमारे लोक जीवन की शुचिता बरकरार रहे, हम दुश्मन नहीं हैं। कल को आप सत्ता में नहीं होंगे, हम आपको दुश्मनी की जुबान से, निगाह से एड्रेस नहीं करना चाहते, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। अपने विपक्ष को आतंकवादी कह दीजिए, हरियाणा जाकर के कश्मीर के नाम पर कुछ बोल दीजिए, इससे क्या हो रहा है? देश में जहर घोला जा रहा है, फिर बुद्ध की धरती, बुद्ध की धरती, सब बेमानी है भाई। सर 2019 में जम्मू कश्मीर को लेकर के इवेंट में हुआ था, आज उस घटना के 5 साल के बाद, वो जो एक पार्लियामेंट में जो एक कानून को निरस्त किया गया या एक धारा निरस्त की, 5 साल के बाद पहले दौर की
असेंबली की वोटिंग हो रही है और जो टर्नआउट है 9 बजे तक ही 11.1% का टर्नआउट है, क्या कहना है? नहीं, स्वागत योग्य है, लेकिन आप दो चीजों को जोड़िए मत। आग्रह करता हूं कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन एक अलग मसला है, 35A अलग मसला है। मसला है कि 10 वर्षों से वहां के लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था, प्रॉक्सी गवर्नमेंट चल रही थी, बड़ी बड़ी बातें की गई। कल भी कहा मैंने गृह मंत्री जी को सुना कि हालांकि वो फिर अशोभनीय भाषा ही थी, राहुल बाबा कह के एड्रेस किया और कहा कि वो मोटरसाइकिल और आइसक्रीम वगैरह, जब अभी भी जम्मू संभाग में हमारे जवानों की के शहीद जवानों की तिरंगे में लिपटी बॉडी आती है ना, उन लोगों से कहिए नॉर्मलिसी हो गई है, उनके परिवार को जाकर के कहिए नॉर्मलिसी की जरूरत है, लेकिन हीलिंग टच चाहिए हर सेक्टर में, हर लेवल पे। रेटोरिक से देश नहीं चलता, रियलिटी को कन्फ्रंट करना पड़ता है। लेकिन सर अमित शाह जी का जिक्र कर रहे हैं, कल जिसमें मैं खुद मौजूद था, वहां पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला वो चाहते हैं कि धारा 370 वापिस आ जाए, वो चाहते हैं कि जितने प्रतिबंधित संगठन है उनसे प्रतिबंध हटा लिया जाए। मैं कह रहा हूँ कि अमित शाह जी 370 वापस चाहते हैं। राहुल गांधी ने कब बोला 370 वापस चाहते हैं? सपना देख रहे हैं आप? मतलब कश्मीर में नहीं बोलिएगा, हरियाणा में आकर के ये बात बोलिएगा क्या भाई? देश के गृह मंत्री हैं, इस पद पर सरदार पटेल रहे थे भाई, उस इस पद की बहुत बड़ी गरिमा है। आप कर सकते हैं अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री को सबको लेके चलना होगा। कल को आप इस पद पे नहीं होंगे, लेकिन इस पद की गरिमा बरकरार रहनी चाहिए महज चंद वोट के लिए। ये तो वही बात हुई, भैंस मंगलसूत्र मुजरा टोटी काट लेगा, बिजली काट देगा। अरे हम बहुत परेशान हैं अमेरिका के चुनाव में भी क्या हो रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं बोल रहा भैंस मंगलसूत्र मुजरा। वहां ये नहीं कह रहा है कि ट्रंप आ जाएगा तो टोटी काट लेगा, या कमला जी आ जाएंगी तो वो ये बिजली काट देंगी। क्या जुबान कर दी है सर। भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्र सरकार में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री रह अभी भी हैं, उनका ये कहना है कि यूसीसी तो आएगा ही आएगा और हम ही लेकर के आएंगे। नहीं नहीं लाइए ना भाई, संसद में चर्चा के बगैर थोड़े लाइएगा, लाइए ना, चर्चा तो होगी ना मेघवाल साहब, या किसान बिल की तरह लाइएगा चुपके से, जबरदस्ती बुलडोज करके फिर सड़क पर सैलाब हुआ, मेघवाल जी फिर सब सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े। धमकी की जुबान मत बोलिए ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, आपके लॉ कमीशन ने क्या कहा, मुझको उम्मीद है मेघवाल साहब पढ़ लेंगे, उसको भी पढ़िए, व्यापक बहस के लिए तैयार होइए। ये विविधता का देश है, आपको बहुत सारी रियायत देनी पड़ेगी, आज कह रहा हूं देनी पड़ेगी। ये हिंदुस्तान है, महासागर है, इसको तालाब मत बनाइए।